Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. Hello friends, welcome to wifistudy, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel wifistudy में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली 9:15 बजे अपनी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है जो कि होती है डेली वोकैबलरी की, जिसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट वोकैबलरी जो कि आपके द हिंदू एडिटोरियल में से लिए जाते हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, ताकि आपके आने वाला एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके कम्युनिकेशन के साथ में आपके जो स्किल्स हैं वोकैबलरी को टैकल करने की, उनको सही करने की, वो बिल्कुल सही हो जाए. चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह यही करने वाले हैं. आज भी देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट वोकैबलरी कौन कौन सा है. चलिए पहला देखते हैं. पहला वर्ड है यूबिक्यूटस. यूबिक्यूटस एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी. तो प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर. तो जो चीज आप हर जगह पा सकते हो, हर जगह देख सकते हो, हर जगह जो चीज मिल जाए, उसको अपन यूबिक्यूटस कहते हैं. काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम के अंदर आ चुका है पहले भी. अब यहां पर सिनोनिम की बात करें तो ओमनीप्रेजेंट, आपने सुना होगा ओमनीप्रेजेंट भगवान के लिए कहते हैं, गॉड के लिए कहते हैं, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, अपीयरिंग फाउंड, तो कई बार काम में ले आता है. परवेसिव अच्छा वर्ड है, और कॉटिडियन अच्छा वर्ड है, यूनिवर्सल. बाकी एंटोनिम तो स्पोरैडिक अच्छा वर्ड है. यहाँ पे स्पोरैडिक जो कि कभी कभार ही होता है कोई चीज, उसको कहते हैं अपन स्पोरैडिक. अब यहाँ पे देखिए ट्रिक, क्विट करने वाले लोग यूबिक्यूटस हैं. तो आपको पता है कि बहुत जगह पे ऐसे, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि क्विट कर जाते हैं अपने टफ कंडीशन के अंदर आगे, और आई डोंट वॉन्ट कि आप उनमें से कभी भी लाइफ में एक हो. हमेशा अगर आप देखोगे तो लोग हमेशा डिमोटिव की बातें करते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं, ऐसे हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि क्यूट करने वाले लोग जो है ना, वो यूबिक्यूटस है, वो हर जगह अवेलेबल है. चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में देख लो, आपके स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी देख लो, क्विट करने वाले लोग हर जगह यूबिक्यूटस होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं. तो जब लोग क्विट करते हैं और दो स्टेप पीछे चले जाते हैं अपने प्रिपरेशन में, आप अपनी लाइफ के अंदर, तो हमेशा वो नेगेटिव बातें करते हैं. तो कभी भी लाइफ में आप ऐसा काम मत करिएगा, कभी भी क्विट करो तो हमेशा एक स्टेप ऊपर जाने के लिए करो, कोई समझ गए, कभी भी एक स्टेप पीछे जाने के लिए मत करो. तो क्विट करने वाले लोग यूबिक्यूटस है, यानी कि सर्वव्यापी है, हर जगह अवेलेबल है. तो क्विट को आप क्या कर सकते हो, यूबिक्यूटस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो. बिल्कुल सही है अभिषेक व्यास, गिव अप नहीं करना चाहिए. पंकज सिंह, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो कभी भी क्विट नहीं करना है, और क्विट करना है तो हमेशा ऊपर चीज, बड़ी चीज सोच के ही करो, छोटी चीज को भी क्विट कर रहे हो तो, लेकिन कभी भी डीमोटिवेट ना हो, है ना. बिल्कुल सही है शर्मा जी, बिल्कुल सही बोले हैं. वाईफाई स्टडीज यूबिक्यूटस, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर. चलिए आगे देखते हैं दोस्तों. आगे है स्पीरियस. स्पीरियस एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जाली या फिर नकली. जो नकली नोट बनाए, नकली काम करे, फेक काम करे, उसको अपन स्पीरियस कहते हैं. यहाँ पर काउंटरफीट अच्छा वर्ड है, बोगस आप जानते ही हो. बाकी बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, जो बिल्कुल सही होता है. ट्रिक देखिए, इसके ऊपर स्पूरियस करेंसी प्रिंट करने का केस है. तो एक पर्सन है, उसके ऊपर केस है किस चीज का, स्पूरियस करेंसी को प्रिंट करने का. कई बार लोग होते हैं ना, जाली करेंसी प्रिंट करते हैं और पकड़े जाते हैं जाली करेंसी. तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, एक पर्सन है, इसके ऊपर क्या है, स्पूरियस करेंसी प्रिंट करने का केस है, यानी कि इसके ऊपर जाली करेंसी प्रिंट करने का केस है. तो एक पर्सन है जिसके ऊपर केस लगा हुआ है. तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. सम आईडी ऑन यूट्यूब इज स्पूरियस, यानी कि बिल्कुल सही बात बोली है मनजीत ने, कि कुछ आईडी होती है यूट्यूब के ऊपर, वो कैसे होती है, बहुत जाली होती है. पूरी कहानी स्पूरियस थी, बिल्कुल सही है. स्वास्तिका बोल रही है कि बॉयज स्पूरियस होते हैं, यानी कि बॉयज फेक होते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस वर्ड को. स्पूरियस केस लगा तो फ्यूरियस हो गया, बिल्कुल सही है. अंशुल ने भी बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है.
और दोस्तों अपने WhatsApp के अंदर शेयर कर दो यार क्लासेस का कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आपके जितने भी ग्रुप हैं बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सब ज्वाइन कर लें। अगला देखते हैं इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अशिष्टता, तो जो बहुत ही रूड होता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसको अपन इम्पर्टिनेंस भी कहते हैं। इम्प्रूडेंस भी देख लीजिए, अच्छा वर्ड है इम्प्रूडेंस, इसका मतलब भी सेम ही है। और बाकी सब तो वर्ड सिंपल है, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक देखिए, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करना इम्पर्टिनेंस है, तो पेरेंट्स को अपन पर्टिनेंस से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। जो पर्सन पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्पर्टिनेंस कहेंगे। तो पेरेंट्स को पर्टिनेंस से भी हम कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करना इम्पर्टिनेंस है, यानी कि कैसा है, बहुत ही अशिष्टता का पालन है। चलिए अगला देखते हैं बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लड़ाकू, जो बहुत एग्रेसिव हो जाए, गुस्सा करे, उसको अपन बेलीग्रेंट कहते हैं। पुग्नेशियस बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में 500 बार आता है। और बेलिकोज भी अच्छा वर्ड है, ट्रिकेलेंट हो गया, कैंटन, ठीक है, कैंटेकेरियस हो गया। ये तीनों चारों वर्ड आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिकेबल का मतलब होता है जो बहुत ही शांत रहे और बहुत ही फ्रेंडली रहे, उसको अपन एमिकेबल कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक, देखिए रेंट को लेकर बेलीग्रेंट हो गए, तो आपको पता है ना कई बार ऐसा होता है ना कि रेंट को लेकर ओला उबर के अंदर जो ड्राइवर है उनकी लड़ाई हो जाती है लोगों के साथ में, तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको, रेंट को लेकर बेलीग्रेंट हो गया, यानी कि रेंट को लेकर झगड़ा हो गया, बिल्कुल सही है। काफी बच्चे यहाँ पे, ठीक है, अपनी ट्रिक बना रहे हैं। टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करना, बिल्कुल सही बात है, इम्पर्टिनेंस कहते हैं। बिल्कुल सही है, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो जा चुका है वर्ड। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ना, सिंपल सा वर्ड है कि रेंट को लेकर क्या हो गया, बेलीग्रेंट हो गया, यानी कि रेंट को लेकर झगड़ा हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसारे। डिसारे एक नाउन है जिसका मतलब होता है अव्यवस्था, तो जब बहुत ज्यादा अव्यवस्था होती है किसी भी चीज के अंदर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसारे कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं अपन। हिस्टेरिया अच्छा वर्ड है यहाँ पे, क्योस तो आपको पता ही है, क्लटर भी सिंपल वर्ड है, तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बाकी सब तो आसान है। ट्रिक देखिए इसकी, अरे यहां तो सब डिसएरे है, तो अरे यहां पे सब डिसएरे है। अगर आप ऐसी जगह पे गए हो जहां पे बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, ऑर्गेनाइज है चीजें, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिसएरे अपन कहेंगे। जैसे ये मार्केट में देखिए, रोड देखिए, मतलब ये पूरी की पूरी रोड ही इन्होंने जाम कर दिए, बंद कर दिए, यहाँ पे लगा के दुकान, तो सब कुछ डिसऑर्गेनाइज है, तो अरे यहां तो सब डिसएरे है। तो इस तरीके से एरे को आप डिसएरे से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं, ठीक है, याद नहीं, डायरेक्ट याद नहीं करने की कोशिश कर रहा। देखो अगर आप डायरेक्टली वर्ड को याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप हर 7 दिन के अंदर, देखिए सैटरडे और संडे अपना ऑफ होता है, आपको पता है ना, तो सैटरडे और संडे को आप जो प्रीवियस वीक का जो वोकैबुलरी है उसको रिवाइज करा करो। पिछले 5 दिनों के अंदर 50 वोकैबुलरी आपके पास में होते, तो सैटरडे और संडे को उसको रिवाइज क्या करो, एक दो बार भी रिवाइज कर लोगे तो फिर आप उसको नहीं भूलोगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर डिसारे, सचिन ने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं दोस्तों सेडिशन। सेडिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजद्रोह। तो कई लोग क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के अपोज में चले जाते हैं और राजद्रोह कर लेते हैं, इंसर्जेंसी कह सकते हैं, म्यूटिनी, रिबेलियन, तो उसको अपन सेडिशन भी कहते हैं। यहाँ पर ट्रिक देखिए कितनी सिंपल है, सैड है कंडीशन, सेडिशन वाली। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे अपोजिशन होता है, तो देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ही होता है गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन राजद्रोह नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी देश में। राजद्रोह होता है तो हमेशा देश का नुकसान होता है। तो सैड है कंडीशन, सेडिशन वाली, सिंपल सी बात है। सैड है कंडीशन कौन सी वाली, सेडिशन वाली, यानी कि राजद्रोह वाली। तो इस तरीके से सैड को आप क्या कर सकते हो, सेडिशन से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो कि सैड है कंडीशन सेडिशन वाली। तो सैड है कंडीशन सेडिशन वाली, यानी कि राजद्रोह वाली कंडीशन जो है वो काफी सैड है,
तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जो कि टिमिड। टिमिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरने वाला, जो इजीली डर जाए उसको अपन टिमिड कहते हैं। टिमोरस अच्छा वर्ड है यहाँ पे, डिफिडेंट अच्छा वर्ड है, डिमूर, ठीक है, ये दो तीन वर्ड है जो कि आपके पेपर में आते रहते हैं। ऑडेशियस का मतलब जो बहुत ही करेजियस हो, बोल्ड हो, उसको कहते हैं। ठीक, देखिए मिड में आके टिमिड हो गए, तो मिड में आके टिमिड हो गए, एक को बोला कि भाई आपको क्या करना है, बंजी जंप करना है, ठीक है, पहले तो बोला हाँ कर लूंगा कर लूंगा, यहाँ पे आके खड़ा हुआ और मिड में आके कैसा हो गया, टिमिड हो गया, हाथ पैर डूजने लग गए कि क्या अब तो मैं आगे जा नहीं सकता, तो मिड में आके कैसे हो गए, टिमिड हो गए, यानी कि डर गए। तो इस तरीके से मिड को भी आप टिमिड से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। ओके, और आकांक्षा का मोबाइल ऑफ होने वाला है, ठीक है आकांक्षा, कोई टेंशन नहीं है, बाद में क्लास रहेगी हमेशा आपके लिए, है ना, यूट्यूब के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल ऑफ हो जाएगा तो आप एक बार बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिड में आके टिमिड हो गए, मिड में आके टिमिड हो गए यानी कि कैसे हो गए, बहुत ही घबरा गए। तो मिड को टिमिड से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पल्पेबल। पल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्पर्श नहीं है, जो चीज को आप टच कर सकते हो उसको अपन पल्पेबल कहते हैं। यहाँ पे टेंजिबल भी आपको पता है, सिंपल सा वर्ड है, पेपर में आता है, बाकी सब आसान है। ट्रिक देखिए, जो एबल है टच होने में वो पल्पेबल है, सिंपल सी बात है, जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जो चीज एबल है टच होने में वो पल्पेबल हो गई। तो इस तरीके से एबल को पल्पेबल से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सरफराज बोल रहे हैं सर आप सचिन और जिगर सिंगर की तरह लगते हो, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शादी को लेकर टिमिड हो गए, घबरा गए, ऐसा बोला है एक ने, और स्वास्थ्य का तो बॉयज के पीछे ही पड़ गई है, बफेलो से टिमिड होते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है वह है ग्रम्बल। ग्रम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब है असंतोष दिखलाना, शिकायत करना। अगर आप किसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको अपन ग्रम्बल भी कहते हैं। यहाँ पे लैमेंट का मतलब होता है रोना धोना, कंप्लेन करना, ये भी अच्छा वर्ड है पेपर में। मौन का मतलब भी यही है, पेपर में आते हैं ये वर्ड, ठीक है। एक्लेट का मतलब है किसी की तारीफ करना, रिजॉइस का मतलब भी यही है। ट्रिक देखिए, गैम्बल की ग्रम्बल किया पुलिस स्टेशन में, तो कई लोग हैं रोड के ऊपर गैम्बल कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, सट्टाबाजी कर रहे थे, तो गैम्बल की क्या करी, एक पर्सन ने ग्रम्बल करी कहां पे, पुलिस स्टेशन में, यानी कि शिकायत करी। तो गैम्बल को आप ग्रम्बल से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि गैम्बल को क्या किया, ग्रम्बल किया, यानी कि उसकी शिकायत करी गैम्बलिंग की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और बिल्कुल सही है, प्रियांशु का आज बर्थडे है, प्रियांशु सिंह हैप्पी बर्थडे, उम्मीद है आपका जो पिछला साल और आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ग्रम्बल हो गया। स्नब एक वर्ब है जिसका मतलब है अनदेखा करके अपमानित करना, तो कई बार लोग इंसल्ट करते हैं किसी की तो उसको अपन स्नब कहते हैं। रिबफ हो गया, रिबुक हो गया, डिसडेन, तीनों वर्ड ही आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अर्णब को स्नब किया, तो एक बार आपने देखा होगा दोस्तों, एक अर्णब गोस्वामी 10th floor के ऊपर अर्णब गोस्वामी और एक राज ठाकरे का एक शो आया था, तो उस पे है ना राज ठाकरे ने डायरेक्टली धमकी दे दी थी अर्णब गोस्वामी को कि बाहर निकलो, ये सब करो, ये सब को लेकर, है ना। तो अर्णब को क्या किया, स्नब किया। तो अर्णब और स्नब इस तरीके से आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो अर्णब को क्या किया, स्नब किया, तो अर्णब को यानी क्या किया, इंसल्ट किया, धमकी दी, तो उसको अपन कहते हैं स्नब करना। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। मैच द कॉलम से रिवाइज भी कर लेते हैं, ये काम आपका है, आपको मैच द कॉलम कर से रिवाइज करना है, मैं आपको बता देता हूं फिर भी एक बार, आपको खुद भी करना है ये काम। यूबिक्यूटस, क्विट करने वाले लोग यूबिक्यूटस है, यानी कि हर जगह प्रेजेंट है। स्पीरियस कैसे, क्या था स्पीरियस का मतलब होता है जाली, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या है, स्पीरियस करेंसी का चार्ज केस है, यानी कि जाली का। इम्पर्टिनेंस, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करना, इम्पर्टिनेंस है, यानी कि रेस्पेक्ट नहीं करने को अपन इम्पर्टिनेंस कहते हैं। रेंट को लेकर बेलीग्रेंट हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। अरे यहां तो सब डिस आ रहे हैं, यानी कि डिसऑर्गेनाइज है। सेडिशन, सैड है, सेडिशन वाली कंडीशन, यानी कि राजद्रोह वाली कंडीशन। मिड में आके टिमिड हो गए, यानी कि डर गए। जो एबल है टच होने में वो पल्पेबल है, यानी कि टच होने लायक। गैम्बल को क्या किया, ग्रम्बल किया, यानी कि कंप्लेन करी। और अर्णब को स्नब किया, यानी कि अर्णब को क्या किया, इंसल्ट किया।
तो इस तरीके से आप मैच द कॉलम से रिवाइज कर सकते हैं। ट्रिक बनाओ जाने की बात करें तो अजय, शिवम और केसाबा, इन दोनों ने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है फिलीबस्टर की। उसका मतलब होता है डिले करना। दफ्तर में फिलीबस्टर लोगों की एंट्री नहीं है, दफ्तर में फिलीबस्टर लोगों की एंट्री नहीं है, यानी कि डिले करने वालों की एंट्री नहीं है। फाइल ऑफिस में फिलीबस्टर हो गया है भाई, ये देखिए फाइल ऑफिस में फिलीबस्टर हो गया है, यानी कि बहुत ही डिले हो गया है। तो फाइल को आप फिलीबस्टर से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वर्ड को फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, काफी अच्छा वर्ड है और काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, इसको टिकट इसकी जो वो है वो बनाइए, ट्रिक बनाई गई है। अगला वर्ड है लिटानी। इस वर्ड की आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है ताकि आपकी क्रिएटिविटी बाकी बच्चों के भी काम आ सके। पैराग्राफ फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं भाविका और तना है, दोनों ने बहुत अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है। 10 के 10 जो वोकैबुलरी है उनको लेकर इन्होंने पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना जो रिविजन है वो इस तरीके से करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सभी को पढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।